तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मेरा न्यू कैमरा। थोड़ा इधर आइए, ठीक है। तो हम लोग का ये हेलमेट का है ये, और ये माइक एडाप्टर है, और ये माइक, और ये गोप्रो 9 जो हम लोग अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। कैमरा में थोड़ा पीछे जाइए, ठीक है। तो ये सबका अनबॉक्सिंग में आपको पूरा दिखाएगा, फुल डिटेल में दिखाएगा आपको कि कौन कितना प्राइस में पड़ा है। तो आप प्लीज लाइक करिए और फुल वीडियो देखिए गाइस। तो चलिए फर्स्ट अनबॉक्सिंग हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो कैमरामैन चलिए ऊपर आ जाइए गाइस। तो गाइस पहले हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, तो देखते हैं इसका कैसा है और इसका प्राइस क्या है, मैं भी आपको धीरे धीरे बताता हूं। तो गाइस पहले इसको हम लोग ऊपर से खोलते हैं। भीतर में हम लोग का ये अडेप्टर है और अंदर में कुछ भी नहीं है गाइस, खाली डब्बा है और कुछ है ही नहीं, तो उसको फेंक दीजिए गाइस। और ये हम लोग का अडेप्टर, हम लोग माइक में इसको अटैच करेंगे। तो मैं भी आपको अटैच करके भी दिखाएगा गाइस कि ये कैसे अटैच होता है कैसे नहीं, मैं आपको फुल रिव्यू दिखाएगा। तो उसका साथ बस मेरे को अंदर में एक नट जैसा मिला है गाइस, बस ये एक मिला है। तो मतलब गोप्रो यहाँ पर लगा के मैं उसको टाइट कर सकता है। गाइस को रखते हैं साइड में और अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट माइक अडेप्टर के लिए। इसका मेरे को पड़ा है प्राइस, इसमें एक बार मैं आपको लास्ट में एक बार मैं सबका प्राइस अच्छे से डिटेल में बता देगा गाइस, आप अनबॉक्सिंग अच्छे से देख लीजिए गाइस। ये हम लोग अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। हम लोग का ये कैमरा के लिए अडेप्टर है, माइक अडेप्टर आपको पता ही होगा क्योंकि बिना अडेप्टर का वो माइक काम ही नहीं करता है गाइस। चलिए इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। ये फाड़ना पड़ा क्योंकि ये निकल रहा था और ये कोई काम नहीं है गाइस। डब्बा गाइस, डब्बा लेके क्या करेंगे गाइस, फेंक दीजिए गाइस। तो इट्स मैनुअल है जो हम लोग जिंदगी में कभी नहीं पढ़ते हैं, तो मैनुअल कैसे लीजिए और ऐसे फेंक दीजिए गाइस। ये हम लोग का एडेप्टर और कुछ भी नहीं है गाइस, और कुछ नहीं है इस प्लास्टिक में, इस बैग्स में कुछ है ही नहीं गाइस, बस ये इसका बहुत दाम रहता है गाइस, इसका ही पैसा है और कुछ नहीं है गाइस। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। हम लोग का भी बारी गई हम लोग को एडेप्टर जो प्राइस में आपको एक साथ बताता है गाइस। तो चलिए इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं। गार्ड भी है तो इसमें अपना डिटेल लिख के अपना रख दीजिए, देखते हैं कोई कितना काम आता है वारंटी कार्ड में। तो इसमें है स्टिकर्स जो मैं अपना हेलमेट में लगाएगा और बाइक आगे लगाएगा, बाइक में रखते हैं। तो ये क्या है मुझे नहीं पता, ये तो रस्सी दिया हुआ है बांधने के लिए अपना माइक को, तो इसको भी साइड में रखते हैं और ये फेंक दीजिए गाइस, कोई काम नहीं है। और गाइस एक और पुस्तक को गाइस तो कौन पढ़ता है गाइस आजकल के जमाना में गाइस, तो इसको लीजिए ऐसे ऐसे घुमाइए और ऐसे फेंक दीजिए। ओयो का बाइक, ये माइक को ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। अंदर से कुछ नहीं निकला, एक तो ये अडेप्टर है जो अपना बराबर स्पीकर में आप लगा सकते हैं, कोई काम नहीं होता, मैं इसको वापस इसमें रख देगा तो साइड में। और ये है गाइस माइक, इसका तार का क्वालिटी बहुत अच्छा है गाइस, साउंड क्वालिटी भी देखते हैं यूज करके कैसा होता है, क्योंकि अभी तो देख के अच्छा ही लग रहा है। और इसमें ये कैमरा मोड एक तो स्विच है और ये स्मार्टफोन मोड भी स्विच है। तार गाइस बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा ही बड़ा है, मैं सोचा नहीं था इतना बड़ा है। तो गाइस ये मेरे लिए अभी तक तो बेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, पहले यूज करके इसका साउंड कैसा है, तो इसको भी अभी साइड में रखते हैं गाइस। अभी फ्रेंड्स हम लोग अभी अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग का गोप्रो 9 का, देख सकते हैं गोप्रो 9 का कैसा है। चलिए इसको भी अनबॉक्सिंग किया जाए गाइस। मैं इसको बहुत मेहनत से गाइस इसको मैं लिया है, इसमें बहुत आप लोग का भी सपोर्ट था गाइस, मैं आपको बोला था कि 1K हो जाएगा तो मैं गोप्रो 9 लेगा, आप लोग भी बहुत अच्छी तरह सपोर्ट दिया उसके लिए, दिल से धन्यवाद। चलिए इसको भी अनबॉक्सिंग किया जाए, पीछे से अभी फाड़ते हैं बॉक्स को हम गाइस। गोप्रो 9 का तो मैं गाइस फेंक नहीं सकता क्योंकि आपको पता ही है आइफ का फर्स्ट कैमरा, तो मैं इसको साइड में रख देता है, देखते रहिए साइड से। और ये है वो बॉक्स जिसमें गोप्रो 9 है हम लोग का, तो चलिए इसको धीरे से अनबॉक्सिंग करते हैं। आइस आप देख सकते हैं यहाँ पर गोप्रो 9 है और यहाँ पर मैन्युअली है कुछ कुछ, ये देख सकते हैं इसमें पीछे यूज़ किया गया ये ऐप के ऐप से कनेक्टेड है, मतलब ऐप से कनेक्टेड ऐप है, कैसे आप यूज़ करेंगे वो भी आपको दिया हुआ है, कैसे आप इसका पीछे का ढक्कन खोलेंगे वो भी आपको दिया हुआ है। तो वैसे ये मेरे लिए तो काम का है इसलिए मैं इसको रखेगा, बिल जो मैं आपको लास्ट में दिखाएगा कितना पारा कितना मैंने इसको मैं साइड में रखता है गाइस। ये मैनुअल है जो मेरा कोई काम में नहीं आएगा, इसको ही फेंक दीजिए। और गाइस ये है पुस्तकों गाइस, इतना पुस्तकों पड़ेगा तो गाइस मैं अपना कॉलेज में टॉप कर लेगा गाइस, कॉलेज में मतलब मैं गाइस एकदम कॉलेज में मैं 100 में 100% लाया गाइस, तो मैं तो इतना पढ़ नहीं सकता गाइस, तो इसको भी फेंक दीजिए। अभी चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं मेरा कैमरा और इसको अच्छी तरह पूरा टेस्टिंग करते हैं गाइस। तो गाइस ये है बैटरी जो इसके साथ मिला है, ये गोप्रो का ही है, मैं अभी एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लेगा गाइस, बाद में फ्यूचर में काम पड़ेगा तो मैं एक्स्ट्रा बैटरी भी ले लेगा। तो गाइस बैटरी को पहले साइड में रखते हैं। और ये इसका एडेप्टर है जो मैं अपना हेलमेट में अटैच कर सकता है, तो इसको भी साइड में रखते हैं, ये भी गोप्रो से ही मिला है गाइस, तो इसको भी साइड में रखते हैं। और ये है उसका स्क्रू टाइट करने वाला, आपको पता ही है गाइस। और ये है उसका चार्जर मतलब क्या, USB दिया हुआ है चार्जर, तो मेरे को खुद का ही फोन से चार्ज करना पड़ेगा, मतलब एडेप्टर से चार्ज करना पड़ेगा। ये भी गोप्रो का ही है गाइस, क्वालिटी गाइस इसका अच्छा है, पकड़ के तो अच्छा फील हो रहा है, तो देखते हैं यूज करके कैसा होता है। और अभी हम लोग ऑन निकालते हैं अपना गोप्रो 9। तो इस टाइम इसका मैं पीछे का रैप हटाता है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा शाइनिंग है। और गाइस इसका इस कैमरा का फीचर ही है कि गाइस इसमें दोनों साइड का डिस्प्ले मिलता है, एक यहाँ डिस्प्ले मिलता है और इधर भी डिस्प्ले मिलता है। चलिए इसको भी अभी पूरी तरह से अनबॉक्स किया जाए, फट गया गाइस, इसको भी हटाया जाए गाइस। गाइस आप देख सकते हैं हम लोग का गोप्रो 9 का कैमरा है। चलिए इसको बैटरी लगाते हैं और एक एक्स्ट्रा आपको
मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा जो मेरे पास ऑलरेडी 128 GB का है, तो उसको भी मैं लगा के आपको पूरे दिखाता है। तो चलिए 2 मिनट बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग चलिए इसका बैटरी भी सब लगा दिए हैं, मेमोरी भी लगा दिए हैं, तो चलिए इसको बूट करके देखते हैं कि ये कैसा है कैमरा। तो गाइस सॉरी यहाँ से ऑन होता है, ऊपर का दबा रहा था, तो ये पावर ऑन बटन है, तो इसको 2 मिनट प्रेस करते हैं और ये कैमरा गाइस ऑन ही हो गया ऑलरेडी। और इसमें आप देख सकते हैं मैं मेमोरी लगा दिया है, 27% चार्ज मेरे को चार्ज करना पड़ेगा। तो गाइस आप कैमरा देख सकते हैं, कैमरा क्वालिटी अभी इसका डिस्प्ले गाइस पता नहीं चल रहा उतना, आपको मैं फुल इसका रिव्यू देता है बाहर निकल के, मैं ये पूरा जो सेटअप है वो सब सेटअप करके मैं आपको दिखाता है बाइक में लगा के ये कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या मिलता है। तो गाइस स्टैंडर्ड मोड में गाइस आप 4K 5K तक कर सकते हैं 30 FPS में, और 4K में गाइस आप 60 FPS 4K में गाइस आप 60 FPS तक कर सकते हैं, और 2.7K में गाइस आप 120p। चलिए मैं इसको पूरा कैमरा अपना हेलमेट में सेटअप करके मैं आपको फुल्ली इसका रिव्यू देता हूं एक्चुअली में क्वालिटी कैसा है। तो चलिए बाहर निकला दे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वो मतलब अच्छा कोई अच्छा प्लेस देख के जा रहे हैं जहाँ पर आपको मैं क्लियरली अच्छा समझा पाएगा। तो इधर का व्यू बहुत अच्छा ही है, तो चलिए उधर जाते हैं और देखते हैं कि कैसा व्यू आता है। तो साउंड कैसा आ रहा है आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं, अभी मैं अब तक ये फ़ोन में अपना वीडियो तो देख नहीं लेगा तब तक मैं बोल नहीं पाया कि साउंड कैसा है। तो पहले जाते हैं देखते हैं पहले कि कैसा हो रहा है कैसा नहीं। तो गाइस एक चीज़ में देख सकता है इस कैमरा लगाने से मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन मिल रहा है। तो गाइस इधर भी देख सकते हैं लोग मुड़ के देख रहे हैं, तो रिएक्शन तो बहुत भयंकर मिल रहा है गाइस, मैं देखा है नोटिस किया है गाइस, तो मज़ा आता है गाइस रिएक्शन देख के। और क्वालिटी भी देख सकते हैं मैं 80-90 पे चला रहा है, और क्वालिटी तो भयंकर है। तो चलिए गाइस दबाया जाए, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस अंदर से। तो मेरी कौन नहीं। तो गाइस मैं अभी कर रहा है 2K 60 FPS में गाइस रिकॉर्डिंग कर रहा है सुपर व्यू में। तो गाइस इसका रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कैसा है, और साउंड क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अभी साउंड सुना है थोड़ा रुक के, तो इसका अच्छा ही लगता है। गाइस अभी मोड चेंज करते हैं, अभी दूसरा मोड में जाते हैं, तो चलिए मोड चेंज किया जाए। तो गाइस अभी हम लोग शूट कर रहे हैं 120 FPS। तो गाइस इसका ये वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं किस साइड का कैसा है, अभी तो लगने वाला था गाइस। तो इस टाइप मतलब इसका भी वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसा है, तो देखिए थोड़ा। और मैं अभी ये वाइड एंगल में कर रहा है क्योंकि इसमें सुपर वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं है, तो इसका भी आप देख बता सकते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा आ रहा है। और यहाँ पर तो रिक्स लगता है गाइस, और रिएक्शन तो मिल ही रहा है आपको पता ही है गाइस बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं अभी 4K 60 FPS में कर रहा है वाइड एंगल में। तो गाइस आप इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है, मैं पूरा रफ़ रोड में अभी पूरा इसको रफ़ रोड में ऑफ रोडिंग के लिए ले जा रहा है कि आप लोगों को पता चले कि इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है, क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन के भी बहुत अच्छा है, तो चेक कर लिया जाए उसका। फिर में एक बूस्ट स्टेबलाइजेशन मोड है, वही मैं चेक कर लेगा। तो पहले इसको पहले देख के आ जाए कि कैसा मोड आता है इसमें। तो चलिए गाइस देखिए और इंजॉय करिए मेरा वीडियो, और अच्छा लग रहा है तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिए। गाइस मैं इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लेके आता, लेकिन आप लोग गाइस लाइक नहीं करता। तो गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ब्लॉग देखिए गाइस। तो गाइस मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है 2.7K विथ 60 FPS और सुपर व्यू एंगल से। तो आप इसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कैसा है, आप इधर का व्यू देखिए, इधर का व्यू देखिए, अच्छा ही है अच्छा। तो कैसे आप देख सकते हैं, और स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है गाइस। मेरा साउंड आपको चल रहा हो कि यहाँ पर रास्ता ख़राब है, क्योंकि मेरा साउंड हिल रहा है मतलब समझ सकते हैं। तो चलिए अभी घर चलते हैं धीरे धीरे, फिर मैं आपको सब इसका प्राइस वाइज सब बताता है। और गाइस आपसे एक मेरे को बात था जो मैं आपको बोला था ना कि मेरा 1K कंप्लीट होने के बाद मैं भूटान राइड में जाएगा। तो गाइस इसका नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो वीडियो भूटान राइड से शुरू हो जाएगा गाइस। मैं भी बहुत एक्साइटेड है, मैं इसका अभी जाके मैं इसका पोल्यूशन बना लेगा। पोल्यूशन बनाने के बाद मैं और मेरा कुछ दोस्त लोग मिलकर हम लोग निकल रहे हैं भूटान राइड के लिए। तो उसके बाद हम लोग एक साथ सब निकल के भूटान राइड जाएंगे, मेरे साथ सौरभ बैठेगा, दो तीन बाइक और जाएगा मेरे साथ। तो भूटान में गाइस बहुत मज़ा आने वाला है, और मेरे पास तो गोप्रो अब हाई गया, तो गाइस मैं फुल HD क्वालिटी का ब्लॉग में भी अपलोड करेगा गाइस, और क्वालिटी भी आप देख रहे हैं कितना अच्छा है। तो गाइस आप लोगों को मज़ा आने वाला है, व्यू भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, फुल फ्रेम रेट में मैं वीडियो क्वालिटी करेगा भूटान रेट में। गाइस आपका प्लीज़ सपोर्ट चाहिए, बहुत प्यार चाहिए गाइस आपका, तो प्लीज़ हमको भूटान रेट में अपना सपोर्ट दिखेगा गाइस। तो चलते हैं अभी घर, फिर आपको मैं पूरा बात बता देता है, इसका प्राइस वाइज सब कुछ आपको मैं क्लियरली बता देता है कि मैं कितना में खरीदा कितना में नहीं, पूरा आपको क्लियरली बता देता है। तो चलिए गाइस घर जाते हैं।
तो गाइस आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। और अभी टाइम हो रहा है 5:35, तो अंधेरा अंधेरा भी हो रहा है धीरे धीरे करके। इधर का इधर में 6 बजे तक आपको पूरा अंधेरा मिल जाएगा। तो गाइस चलिए घर जाते हैं फटाफट, क्योंकि GoPro भी रात को गाइस उतना शायद काम नहीं करता है। रात का भी वीडियो बना के डाल दे GoPro से, तो आप उससे पता चल जाएगा कि आपको रात को भी इसका क्वालिटी कैसा है। तो घर जाते हैं गाइस और आप ब्लॉग देखिए। तो गाइस मेरे को माइक का प्राइस पड़ा है 1200 समथिंग, और मेरा वो जो एडाप्टर था माइक GoPro फिट करने वाला उसका प्राइस पड़ा है मेरे को 800 कुछ रुपया, और गाइस GoPro का मेरा पड़ा है 29,500, जो आपको भी पता है फ्लिपकार्ट में 25,000 में मिल जाएगा। तो मतलब मैं ऑफलाइन से लिया था, क्योंकि मैं सोचा था कि ऑफलाइन से लेने से बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ इशू होने से मैं फटाक से उस दुकान में जाकर मैं दिखा सकता है, इसलिए मैं ऑफलाइन में लिया था। लेकिन गाइस मेरा मैं अभी देख रहा है मैं बहुत लॉस में, 4,500 रुपये का लॉस में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करें कि आप उसको फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से ऑर्डर करें, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद तो आपको और भी ऑफर में मिल जाएगा गाइस, तो तभी आप ऑर्डर करें तो अच्छा रहेगा। और उसका जो एक्स्ट्रा एडाप्टर है जो मैं अभी मेरा आ गया है, आप पूरा सेटअप देख सकते हैं अभी, तो कुछ इस तरह से है आप देख लीजिए। तो इसका कवर भी है, तो इसका मेरे को पड़ा है आपका 1200 रुपया। तो पूरा सेट मिला के मेरा मोटा मोटी 39 या 38 का समथिंग खर्चा हो गया है। तो गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आपको पता है नेक्स्ट हम लोग का भूटान का होने वाला है, तो गाइस प्लीज़ उसमें सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, आज के लिए बाय।